बागपत के बड़ौद शहर से एक मामला सामने आया है जो कि होली के त्योहार पर देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश की गई है असामाजिक तत्वों के द्वारा। जी हां, बड़ौद शहर के तकिया वाली मस्जिद के पास एक खड्डा है और उस खड्डे में कूड़े का ढेर होता है, जिस कूड़े के ढेर में भगवा झंडों को डाला गया है जिन पर लिखा गया है जय श्री राम और इसके अलावा ओम और बजरंग बली का चित्र भी बना हुआ है। इन भगवा झंडों को जानबूझकर कूड़े के ढेर में सैकड़ों की संख्या में डाला गया है, जिसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने हिंदू संगठन को इसके बारे में जानकारी दी और जिसके बाद हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ा, भीड़ बढ़ी, जिसके बाद सूचना गई पुलिस प्रशासन के पास। पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और पहुंचे CEO बड़ौद जो कि समीर रत्न गौतम है, जिन्होंने जाकर इस मामले पर कार्यवाही शुरू की और लोगों की सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ CEO ने आते ही यहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों से इन भगवा झंडों को कूड़े के ढेर से उठवाया और एक कट्टे में भरवाया, जिन पर लिखा था जय श्री राम, बजरंग बली का चित्र बना था, ओम का चित्र बना था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा यहां पर कार्यवाही शुरू कर दी है। CEO ने घंटों चले इस हंगामे में भीड़ को शांत कराया और आश्वासन दिया कि इस पर कार्यवाही जरूर होगी और पुलिस ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि कार्यवाही के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। पुलिस ने ये आश्वासन देते हुए यहां पर हिंदू संगठन के लोगों को शांत कराया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।